यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अपने डिजिटल बोर्ड को निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए डिजिटल बोर्ड फिट रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो पैनल है जिस पर डिजिटल बोर्ड फिट रहता है। ये बहुत ही मजबूत रहता है, इसमें देखिए बहुत मोटा रहता है और इसमें डिजिटल बोर्ड फिट रहता है। और अभी मैंने इसको कलर को कराने के लिए, मतलब इस रूम को पूरा कलर कराने के लिए डिजिटल बोर्ड को निकाल लिया है। यहाँ पर फ्रंट है जहाँ पर हम अपने डिजिटल बोर्ड को रखते हैं। और ये डिजिटल बोर्ड का जो सामने है, देखिए सामने वाला जो दीवार है यहाँ पर वाइट कलर है, जिसको मुझे कलर कराना है ग्रीन कलर या फिर नीला कलर में इसको कराने वाला हूँ। तो इसके लिए ये प्राइमर लग चुका है यहाँ पर, अब इसमें हम डायरेक्ट पेंट कराएंगे, उसके बाद ही मैं वीडियो बना पाऊँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा स्टैंड है ना, जो अपन सेल्फी स्टैंड होता है, ये हमारा सेल्फी स्टैंड मैंने खुद बनाया है। ये देखिए ये सीमेंट से बना हुआ है, आप देखोगे तो यकीन नहीं होगा, इसको मैंने खुद ही बनाया है सीमेंट से। और ये अच्छे अच्छे डिजाइन भी मैंने दे लिया है, आपको यकीन नहीं होगा कि इस स्टैंड को मैंने स्वयं ही बनाया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इतना मजबूत है कि इसमें आप कितना बड़ा कैमरा रखेंगे ना तो भी ये हिलने वाला नहीं है। और ये जो पाइप दिख रहा है वो स्टील का पाइप है और ये नल पाइप है, इसके माध्यम से ही मैं अपना वो वीडियो बनाते रहता हूँ। और ये देखिए ये वाला सेटअप, मुझे ये लाइट से कोई मतलब नहीं है, मैंने केवल ये मोबाइल को फिट करने के लिए ये वाला लिया था और साथ में ये भी आ गया था, तो मुझे मैं आज तक इसका उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका उपयोग करता नहीं हूँ, मैं केवल यहाँ पर मोबाइल लगाता हूँ इसलिए ये उपयोग करता हूँ। और ये पाइप जो है मैंने स्टील का खुद लगाया हुआ है, देखिए बहुत ही मेहनत से मैंने इस स्टैंड को बनाया है और इसी के माध्यम से मैं अपना मोबाइल के माध्यम से ही वीडियो बनाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कौन कौन से लाइट लगाए हुए, देखिए मैंने इस रूम में बहुत सारे लाइट लगाए हैं, मैं आपको लाइट को जलाकर दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा लाइट जब जल जाएगा तो ये देखिए ये लाइट मैंने जला रखा है ऊपर में, देखिए यहाँ पर ऊपर में आपको लाइट दिख रहा है और ज़्यादा ऊपर में ट्यूबलाइट लगा हुआ है दो, और वहाँ पर कॉर्नर में देखिए ये देखिए यहाँ पर एक हैलोजन लाइट लगा हुआ है और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है और ऊपर में दो ट्यूबलाइट और लगा हुआ है। और उधर से आप दूर से देखेंगे तो वो लाइट भी दिखाई देगा, देखिए इधर से मैं लाइट को जला देता हूँ। ये देखिए इतना सारा जब लाइट जलता है तो यहाँ से हम वीडियो शूटिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं अपना ये वाला भाग जो है यहाँ पर मैं अपना मोबाइल को इस प्रकार लगा लेता हूँ, देखिए लग जाएगा। उसके बाद सामने में लगता है हमारा डिजिटल बोर्ड, अभी मैंने निकाल दिया है क्योंकि घर में इस रूम में खास करके इसका जो कलर है उसके लिए मैंने इसको अभी बंद कर दिया है, तो आज मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से आप लोग मेरे पुराने वीडियो को जरूर देखेंगे और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हमारे जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि उस प्रकार के वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ। और हाँ, अगर आपको सेटअप से संबंधित कुछ जानकारी हो जिससे वीडियो क्वालिटी अच्छा बनता हो, है ना, लाइट लगाने से या कुछ बैकग्राउंड को किस कलर करूं, सामने जैसे मैं सामने वाले को कौन सा कलर करूं, मैंने सोचा है ग्रीन या फिर ब्लू, है ना, तो मैं यहां पर नीला कलर करवाने वाला हूं ताकि इसका जो रिफ्लेक्ट होने के बाद डिजिटल बोर्ड में जो प्रकाश पड़ेगा वो या तो डार्क नीला होना चाहिए या फिर डार्क ग्रीन होना चाहिए ताकि जो है बोर्ड जो है बहुत ही अच्छे से दिखाई दे और उसमें जो हम अक्षर लिखें बड़े अक्षरों में या छोटे अक्षरों में पेन के माध्यम से, डिजिटल पेन के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छा से आपको दिखाई दे। निश्चित रूप से अब आपको मैं कल या परसों ही वीडियो बना पाऊंगा इस चैनल के माध्यम से, एजुकेशनल वीडियो जो है। आज वीडियो मैं आपको केवल ये बताने के लिए बना रहा हूँ ताकि अभी मैं बता सकूँ कि मेरे घर में जो काम चल रहा है उसके कारण आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।